And now we will discuss what are the important data structures and algorithms that are required for online tests and interviews. तो क्या होता है इंटरव्यू में, जब तुम लाइब्रेरी यूज़ करते हुए कोड लिखते हो ना, तो इंटरव्यू कभी कभी बोल देता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसकी वर्किंग समझाओ, तो उस वक्त काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। My name is Vishesh Jindal. I am pre-final year computer science undergraduate at IIT Dhanbad, and yeah, I am going to join Flipkart as an intern next summer. So yeah, in this video mein we will discuss how to revise data structures and algorithms. तो यार सबसे पहले तो will होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार कर लेते हैं ना, तो उसको दोबारा करने का मन नहीं करता, तो will must be there. तो स्टार्ट में तुम क्या कर सकते हो, किसी भी एक डाटा स्ट्रक्चर्स को पकड़ लो, तो उसके कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चंस तुमने पहले बना रखे हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, उनको करो पहले 3-4 वो क्वेश्चन करो, तो इससे क्या होगा, तुम उस डाटा स्ट्रक्चर को रिकॉल कर पाओगे, उसकी वर्किंग को रिकॉल कर पाओगे। एंड ये करने के बाद तुम क्या करो, उस डाटा स्ट्रक्चर को खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। ये इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुम जनरली तो लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हो अपने कोड में, तो क्या होता है इंटरव्यू में, जब तुम लाइब्रेरी यूज़ करते हुए कोड लिखते हो ना, तो इंटरव्यू कभी कभी बोल देता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसकी वर्किंग समझाओ, तो उस वक्त काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेना एक बार खुद से। एंड वन मोर थिंग, यदि तुमने कुछ नोट्स बनाए थे पहले जब डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो उनसे एक बार गो थ्रू हो जाओ। ऐसा करने से हो सकता है तुम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले स्किप कर रहे थे वो तुम रिकॉल कर पाओ, एंड ऐसा करने से तुम्हारे जो पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो एक तरह से परफेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन तुमने पहले नहीं करे, पहले आई मीन देखे नहीं है तुमने, तो कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करो लीड कोड, कोड स्टूडियो से, कहीं से भी। तो ऐसा करने से ना तुम्हारा वो पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट। तो ये जो अप्रोच है तुम हर डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स है, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, इनके लिए भी ये अप्लाई करो, तो होपफुली तुम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। एंड आई वुड रेकमेंड यू टू revise the data structures by writing on paper. So if you are solving a problem corresponding to some data structure, write it on a paper and explain it to yourself, because in interview you might need to explain it to interviewer also. तो खुद को explain करने की कोशिश करो पेपर पे लिख के, and do some good quality of questions. ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सारे questions कर लो लेकिन वो सब सेम टाइप के हो, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें कवर करनी होंगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि बस 2-3 ही क्वेश्चन करो, तो आई थिंक 7, 8, 10, 12 इतने क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए जब रिवीजन कर रहे हो, नए क्वेश्चंस। और इससे तुम्हें ये होगा कि इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली नया क्वेश्चन ही मिलता है, तो तुम उस वक्त अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराओगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ तुम नया क्वेश्चन भी कर सकते हो। एंड वाइल रिवाइजिंग, जब तुम कोई भी डाटा स्ट्रक्चर रिवाइज कर रहे हो या फिर एल्गोरिथम, तो उस समय तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि किस डाटा स्ट्रक्चर या फिर किस एल्गोरिथम में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या फिर तुम उसमें डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, ताकि जब बाद में तुम उस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को स्पेसिफिकली रिवाइज कर पाओ, आई मीन स्पेसिफिकली उस पर काम कर पाओ, स्पेसिफिकली उसको समझ पाओ, उसके एडिटोरियल्स, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ पाओ। तो तुम्हें जब रिवाइज कर रहे होगे तो तुम ये भी चीज़ देख पाओगे कि किस टॉपिक में तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ तुमने एक बार डाटा स्ट्रक्चर्स को रिवाइज तो कर लिया है, नाउ हाउ यू विल परसिस्ट विद दैट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोबारा से फिर से रिवाइज करना पड़ जाए वही डाटा स्ट्रक्चर। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार जब एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो उसको समराइज करो। बेसिकली टॉक टू योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। तो खुद से कुछ क्वेश्चन पूछो एंड ट्राई टू आंसर दैट, और उनको आंसर करने की कोशिश करो। एंड होपफुली इफ़ यू आर एबल टू डू दिस देन यू माइट हैव सक्सेसफुली रिवाइज दैट डाटा स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग, जब तुम डाटा स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे होगे एज आई सेड अर्लियर, तो तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, उसी से तुम्हारा फ्लो आएगा उस डाटा स्ट्रक्चर में। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई वी शुड रिवाइज DSA। तो यार दो सिनेरियोज हैं। पहला तो तुम हो सकता है CP और DSA कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो, तो होपफुली तुम DSA के टच में हो, एंड देन यू माइट नॉट नीड टू विजिट द ईच डाटा स्ट्रक्चर अगेन। एंड दूसरा है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो डाटा स्ट्रक्चर में, और वो हो भी सकता है क्योंकि हो सकता है तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो 2-3 महीने से, और या फिर तुम्हारा कॉलेज शेड्यूल इतना बिजी है कि तुम रोज़ नहीं कर पाते DSA और CP। देन तुम्हें इस बात को फॉलो करना पड़ सकता है टू रिवाइज द DSA। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यूज। तो यार स्टार्टिंग विद द एरेस, लिंक लिस्ट कर लो, स्टैक्स एंड क्यूज, ट्रीज एंड ट्राइज भी इम्पोर्टेंट है, ग्राफ्स एंड हीप्स। एंड एल्गोरिथम्स की बात करें तो बाइनरी सर्च, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग एंड कुछ बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी भी आने चाहिए, जैसे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन एंड कुछ बिट मास्किंग भी आनी चाहिए। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तुम्हें एटलीस्ट आने चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए। तो जो स्किप तुम कर सकते हो वो है सेगमेंट ट्रीज एंड फैनविक ट्रीज, ये तुम स्किप कर सकते हो। एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड टू रिवाइज अ डाटा स्ट्रक्चर। इन जनरल इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस करके, एंड नेक्स्ट डे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 2-3 आवर्स का ही काम है एक दिन में। एंड अगले जो नेक्स्ट डेज हैं 2-3 डेज़ में हम जो उसके नए क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आई थिंक 4 डेज़ या 3 to 4 डेज़ में तुम अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है हम पूरा डे स्पेंड कर रहे हैं एक ही डाटा स्ट्रक्चर पर, लेकिन हाँ ईजिली तुम 3-4 डेज़ में विदाउट एनी लोड और प्रेशर यू कैन ईजिली रिवाइज अ डाटा स्ट्रक्चर। तो यार दिस इज़ द पाथ दैट आई फॉलोड and I hope it will help you also. So thank you.